इस वीडियो में हम सीखेंगे 10 टाइम्स ऑफ अ डिजिट के बारे में, यानी किसी नंबर के अंदर मौजूद डिजिट का 10 टाइम्स क्या होता है। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। नंबर हम लिखते हैं 1770। सबसे पहले इस नंबर को रीड करते हैं, यानी पढ़ते हैं। इसके लिए इनके प्लेसेस लिखेंगे। ज़ीरो है वंस प्लेस पे, ओ यानी वंस। इसी तरह सेवन है टेंस प्लेस पे, तो इसके लिए हम टी लिखेंगे, टी यानी टेंस। और ये सेवन है हंड्रेड प्लेस पे, एच यानी हंड्रेड। और ये वन है थाउजेंड प्लेस पे, टी एच यानी थाउजेंड। तो जैसे कि आपको पता है कि हम राइट साइड से देखते हैं और वन टू थ्री डिजिट्स के बाद कॉमा लगा देते हैं, तो ये नंबर है 1770। इस नंबर में मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इस डिजिट को जो कि हंड्रेड प्लेस पे है। हंड्रेड प्लेस वाला डिजिट सेवन है, और यहाँ पे अब हमने इस डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो इसकी क्या वैल्यू है? क्योंकि ये हंड्रेड प्लेस पे है, इसलिए इसकी वैल्यू है 700। इसकी प्लेस वैल्यू लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, इस डिजिट के राइट साइड वाले डिजिट को देखना है जो कि है 7, और इसकी भी हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो इसकी क्या वैल्यू है? 70 इसकी वैल्यू है, और 70 इसलिए है क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है। अब अगर मैं इस 70 को मल्टीप्लाई कर दूं नंबर 10 के साथ, तो इस केस में क्या आंसर आएगा? 70 मल्टीप्लाई बाई 10, इसका आंसर आएगा 700। 70 मल्टीप्लाई बाई 10 700 के इक्वल आएगा। ये इस तरह से आया कि जब भी किसी नंबर को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में सिर्फ एक ज़ीरो का इजाफा हो जाता है। जैसे इस केस में 70 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70 में एक ज़ीरो का इजाफा हो गया और ये नंबर बन गया 700। जब मैंने इस टेंस प्लेस वाले डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया वो एग्जैक्टली इक्वल आया, बिल्कुल बराबर आया किसके? इसके लेफ्ट साइड वाले डिजिट के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये किसके इक्वल आएगा? ये इसके लेफ्ट साइड वाले डिजिट के बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 7 है 100 प्लेस पे, ये 10 टाइम्स है इस 7 के जो कि इसके राइट साइड पे है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर को लिख लें 4 4 6। तो नंबर हमारे पास है 446। इसमें अब मैं इस डिजिट को अंडरलाइन करती हूँ, और ये कौन सी प्लेस पे डिजिट है? 6 है वंस प्लेस पे, ओ यानी वंस। 4 है टेंस प्लेस पे, और ये वाला 4 है हंड्रेड्स प्लेस पे। तो सबसे पहले इस हंड्रेड प्लेस वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू होगी 400। 400 क्यों होगी? क्योंकि ये हंड्रेड प्लेस पे है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके राइट साइड वाले डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो राइट साइड वाला डिजिट भी 4 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 40 इसलिए क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है। अब अगर मैं 40 को मल्टीप्लाई कर दूं 10 के साथ तो क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा 400। 400 इसलिए आया क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 40 में एक ज़ीरो का इजाफा हो गया, और ये 400 इस 400 के
इक्वल है, ये इक्वल का निशान है यानी बराबर है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो डिजिट है ये इसके राइट साइड वाले डिजिट का 10 टाइम्स है। यानी कि जब मैं इस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसके लेफ्ट साइड वाले डिजिट के बराबर आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। पहले डिजिट्स लिख लेते हैं, 1593। तो ये नंबर है 1593, क्योंकि ये एक कॉमा 1000 को शो करता है। अब हम इनके प्लेसेस लिखते हैं, 3 है वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, 100 और ये 1000 प्लेस पे है। अब मैं इस डिजिट को अंडरलाइन कर रही हूँ जो 100 प्लेस पे है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5, जो 100 प्लेस पे है इसकी प्लेस वैल्यू होगी 500। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके राइट साइड वाले डिजिट को देखना है जो कि है 9। तो इसकी क्या प्लेस वैल्यू है? इसकी प्लेस वैल्यू 90 है क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है। अब अगर इस नंबर को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इसका 10 टाइम्स कर दूं, तो क्या आंसर आता है देखते हैं। जब 90 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 900, क्योंकि जब भी किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें एक ज़ीरो का इजाफा हो जाता है। तो क्या 500 और 900 इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं हैं। क्यों इक्वल नहीं हैं? क्योंकि ये दोनों डिजिट्स डिफरेंट हैं, ये 5 है और ये 9 है। इससे हमें पता चला कि ये इक्वल तब हो सकते हैं, यानी ये वाला डिजिट इसके राइट साइड वाले डिजिट का 10 टाइम्स तब हो सकता है जब दोनों डिजिट्स एक जैसे हों, सेम हों। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। ये आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, ये कौन सा नंबर है? पहले इनके प्लेसेस लिखें, ये वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, ये 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और ये 100 मिलियन। तो इसका मतलब ये नंबर है 213,307,456। अब आपने इस नंबर में से कोई भी दो ऐसे डिजिट्स ढूंढ के मुझे बताने हैं जो एक दूसरे का 10 टाइम्स हो। तो कौन से डिजिट्स ऐसे हैं? सबसे पहले देखना है कि जो सेम हो, जैसे कि ये और ये दोनों सेम डिजिट्स हैं। ये 100,000 प्लेस पे है और ये मिलियन प्लेस पे है। इसके बाद आपने देखना है कि इनमें से कौन सा डिजिट दूसरे का 10 टाइम्स है। तो ये डिजिट क्योंकि इस डिजिट के लेफ्ट साइड पे है, तो ये वाला डिजिट अपने राइट साइड वाले डिजिट का 10 टाइम्स होगा। यानी मिलियन प्लेस पे जो 3 है वो 10 टाइम्स होगा 100,000 प्लेस वाले 3 के। तो आज हमने 10 टाइम्स ऑफ अ डिजिट के बारे में पढ़ा।